नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसके फैसले की जिज्ञासा आप सभी के मन में होगी। नतीजे ये बता चुके होंगे कि कौन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की गद्दी संभालेगा, लेकिन मैं एक ऐसी पुस्तक के साथ आया हूं जो पुस्तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके, देश में बड़े नेता के रूप में कैबिनेट मंत्री रह चुके और भारतीय राजनीति को एक दिशा, दशा और आंदोलन की एक नई राह दिखाने वाले नेता हेमवती नंदन बहुगुणा के जीवन पर लिखी पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। हेमवती नंदन बहुगुणा, भारतीय जन चेतना के संवाहक, यह पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक को उनकी बेटी प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी और डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी ने मिलकर लिखा है संयुक्त रूप से। डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी प्रख्यात पत्रकार, लेखक और विचारक रहे हैं। राजनीति, समाज और अर्थशास्त्र जैसे विषयों में उनकी गहरी पकड़ रही है। आधा दर्जन से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं। प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी हेमवती नंदन बहुगुणा की पुत्री रही हैं। देश की राजनीति में अभी पिछले दिनों तक उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में मंत्री रही हैं, कांग्रेस में भी जुड़ी रही, भाजपा में भी जुड़ी रही, समाजवादी पार्टी में भी जुड़ी रही, तमाम दलों में रहा। उनका राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1995 में हुई थी और यह पुस्तक न बेटी की तौर पर उन्होंने लिखा है, न राजनेता के तौर पर, एक लेखक के तौर पर उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा के जीवन को अपने सहयोगी लेखक डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी के साथ परखने की कोशिश की है। इसमें हेमवती नंदन बहुगुणा के बचपन की बात है। एक गरीब परिवार में, ऐसे परिवार में पैदा हुए हेमवती नंदन बहुगुणा जहाँ पढ़ाई का परिवेश था लेकिन अर्थ कोई बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं था। हालांकि उनके पिता उस ज़माने में पटवारी थे और पटवारी होने का अर्थ यह था कि वह एक काफ़ी सम्मानजनक नौकरी थी उस ज़माने में जब अंग्रेजी शासन था। कई इलाके उनके अंडर में होते थे और कई घटनाएं ऐसी है बचपन की कहानी में बहुगुणा के कि एक बार वहाँ के आयुक्त घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे और इधर से हेमवती नंदन बहुगुणा अपने पिता के साथ जा रहे थे। पिता पैदल थे, ये घोड़े पर थे। पिता ने कहा कि तुम उतर जाओ, लेकिन हेमवती नंदन बहुगुणा उतरे नहीं, जबकि वो बचपन की उम्र की बात है। इनके पिता ने पुकारा कि तुम नीचे उतरो, हेमवती नंदन बहुगुणा नहीं उतरे और आयुक्त आए। उन्होंने इनके पिता को देखा, वो पहचानते थे, काफ़ी सम्मान था उनका इलाके में। उन्होंने पूछा कि अरे क्या बात है, क्यों डांट रहे हो? तो बोले, देखिए साहब, ये लड़का जो है इस तरह का है कि ये हमारी बात नहीं सुन रहा, आपके सामने घोड़े पर सवार है। जब हेमवती नंदन बहुगुणा घर पहुँचे तो उन्होंने अपने पिता से पूछा कि क्या ये जो घोड़े पर सवार थे, यह कोई बहुत बड़े अफसर थे? बोले, हाँ, बहुत बड़े अफसर थे। कितने बड़े अफसर? बोले, इतने बड़े अफसर थे कि उनको किसी के लिए घोड़े से उतरने की ज़रूरत नहीं है। हेमवती नंदन बहुगुणा के दिमाग में यह तभी आया था कि मैं कभी जीवन में ऐसा अफसर बनूंगा कि मुझे घोड़े से उतरने की आवश्यकता न पड़े। स्कूल के दिनों में ही उनके अंदर जो नेतागिरी का भाव था, प्रशासनिकता का भाव था, वह उनके मन में आ चुका था। यह पुस्तक उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं को बताती है, स्कूल के जीवन को, कॉलेज के जीवन को, उनके इलाहाबाद प्रवास को और इलाहाबाद में रहने के दौरान किस तरह उन्होंने अपने को एसोसिएशन से, कर्मचारियों के एसोसिएशन से जोड़ा, किस तरह से इंटक से वो जुड़े और किस तरह राज्य भर के बिजली कर्मचारियों और दूसरे कर्मचारियों के हितों की मांग की और उस ज़माने में, एक ज़माने में बिड़ला तक से वे टकरा गए हिंडाल्को में कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर। यह पुस्तक यह भी बताती है कि किस तरह से पहली बार उनको इलाहाबाद से विधानसभा का टिकट दिलाने के लिए तमाम तरह के दबाव पड़े और उनको
विधानसभा का टिकट दिल्ली में पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की पैरवी के बाद मिला, उनके कहने के बाद मिला, और उनके ऊपर किस तरह से स्थानीय लोगों का दबाव था, कर्मचारियों का दबाव था। इस पुस्तक में उस दौरान की एक और भी घटना है जो बहुत ही अद्भुत है कि जब वे चुनाव लड़ रहे थे तो जो लोग वहाँ पे इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे स्थानीय विधानसभा का, वे कई तबके से उनको समर्थन मिला था और वे काफ़ी सक्षम व्यक्ति थे, लेकिन बावजूद इसके कई बार ऐसी स्थितियाँ हुई कि वे दोनों जब आमने सामने होते थे तो वो बहुगुड़ा जी को, उनके जो प्रतिद्वंदी थे, वे अपनी सभा करने के बाद कहते थे कि तुम भी यहीं पर सभा कर लो। एक विरोधी के प्रति, अपने खिलाफ लड़ रहे उम्मीदवार के प्रति इस तरह की सकारात्मक सोच आज की राजनीति में सोचना असंभव है। बल्कि ऐसी घटना कहीं भी देखने को नहीं मिलती कि जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं वही व्यक्ति कहे कि तुम इसी मंच पर अपनी सभा भी कर लो ताकि तुम्हारी भी बात लोग सुन लें। अमेरिका में इस तरह की बहस या टेलीविज़न चैनलों पर इस तरह की बहस होती है, लेकिन भारतीय राजनीति में किसी ज़माने में यह बहस, इस तरह के उदाहरण मिलते रहे हैं देखने को। इसके अलावा वो उद्योग मंत्री जब हेमवती नंदन बहुगुड़ा थे, उनके जीवन के उद्योग मंत्री रहते हुए वो किस तरह से मालिकों और मजदूरों के बीच उन्होंने समझौते का काम किया, कर्मचारियों के हित में किस तरह का काम किया, इसके अलावा किस तरह से नेहरू जी के न रहने पर, शास्त्री जी के न रहने पर ये इंदिरा गांधी के निकट आया, और फिर एक समय जब वे खुद मुख्यमंत्री थे, वे देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री रहते हुए जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया था, न केवल आपातकाल का विरोध किया था बल्कि आपातकाल के खिलाफ उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी, और दिल्ली में जो कोटरी थी इंदिरा गांधी के साथ, उसने हेमवती नंदन बहुगुड़ा के खिलाफ उनको इतना भड़काया कि इंदिरा गांधी ने उनसे इस्तीफा मांग ली। इस्तीफा मांगने के पीछे एक और वजह थी कि हेमवती नंदन बहुगुड़ा ने जयप्रकाश नारायण को राज्य अतिथि का दर्जा दिया था उत्तर प्रदेश में, और इसके पीछे यह पुस्तक बताती है कि हेमवती नंदन बहुगुड़ा की सोच यह थी कि बिहार में जो विद्रोह की आग जल रही है संपूर्ण क्रांति के दौरान, उस आग में उत्तर प्रदेश न जले। कई विद्वानों से उस दौरान के कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर और दूसरे लोगों के संस्मरणों के आधार पर यह पुस्तक लिखी है गई है। इसमें उनके संघर्ष का दौर, उनकी शादी, यहाँ तक कि इलाहाबाद का वह ऐतिहासिक चुनाव जिसमें अमिताभ बच्चन किस तरह आए, और फिर एनटी रामाराव ने हेमवती नंदन बहुगुड़ा को कहा कि आप आंध्र प्रदेश की सीट से, किसी भी सीट से आकर चुनाव लड़ लीजिए, मैं आपके लिए यहाँ पे एक संसदीय सीट दिला देता हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना है, हमारा आंध्र प्रदेश सरकार का चार्टर प्लेन जाएगा आपके पास, आप उस जहाज से आइए, केवल नामांकन भर के चले जाइए, आपको प्रचार भी नहीं करना होगा। लेकिन हेमवती नंदन बहुगुड़ा इस बात पर तैयार नहीं हुए, उनको इलाहाबाद में अपने किए गए काम पर इतना भरोसा था कि वह मानते थे कि चाहे कुछ भी हो, इलाहाबाद का बौद्धिक समाज और मतदाता किसी भी स्थिति में उनको छोड़ेगा नहीं। लेकिन जब वह अमिताभ बच्चन से चुनाव हार गए तब उन्हें भारतीय राजनीति के इस विद्रूप चेहरे का पता चला, और यह पीड़ा आजीवन उनके साथ बनी रही, यहाँ तक कि वे इस परिणति से इस तरह हताश हुए कि बाद में बहुत कोशिश के बावजूद उनका स्वास्थ्य निरंतर आंदोलनों से गिरता गया, और फिर उन्होंने अमेरिका में अपनी आंखें मूंद ली। इस पुस्तक में बहुगुड़ा जी द्वारा लिखा हुआ उनके चिंतन के आयाम के तहत ढेर सारे पत्र हैं जो यह बताते हैं कि इस स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए नेता का क्या दृष्टिकोण था, देश से जुड़े हुए मसलों पर, अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर, जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए मसलों पर, और देश भर में किस तरह से इन लोगों की साख थी, चाहे वह बीजू पटनायक हों, चाहे वह फारूक अब्दुल्ला हों, चाहे वह देश में
एनटी रामा राव हूँ। दक्षिण का कोई भी नेता हो, उत्तर का कोई भी नेता हो, चौधरी चरण सिंह से उनके क्या संबंध थे, किस तरह चौधरी चरण सिंह चाहते थे कि बहुगुणा ही कार्यकारी अध्यक्ष बने रहे उनके दल के, पंडित कमलापति त्रिपाठी से उनके क्या संबंध थे, कांग्रेस में शुरुआती दिनों में जब वो थे तो उनके किस तरह के संबंध थे, यह पुस्तक हेमवती नंदन बहुगुणा भारतीय जनचेतना के संवाहक के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके जीवन के बारे में एक अप्रतिम पुस्तक है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर ऐसे भी लोग रहे हैं, ऐसे महान चिंतक और विचारक भी रहे हैं, जो अगर मैं बहुगुणा की टिप्पणी को ही लूं जो इस पुस्तक के आखिरी पन्ने पर लिखी है, जब तक धन सर्वोपरि है और श्रम सबसे नीचे, तब तक स्वराज का संदेश दूर तक नहीं पहुंच पाएगा। हमें शासन केवल शासन करने के लिए ही नहीं, वरन संस्थागत ढांचों में मूलभूत परिवर्तन करने के लिए करना है। उत्तर प्रदेश का संस्थागत ढांचा गरीब उन्मुख हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आज आए हुए नतीजों से जो भी बैठे, वह अपने पूर्ववर्ती महान नेताओं के इन मतों का कि शासन जनता के हित के लिए होना चाहिए, आम जन के हित के लिए होना चाहिए, उस दिशा में काम करे, इसी उम्मीद के साथ उम्मीद करता हूँ कि साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं वाणी प्रकाशन और 324 पृष्ठों की इस हार्ड बाउंड संस्करण की पुस्तक का मूल्य 895 रुपये है। यह पुस्तक 1999 में पहली बार छपी थी और यह इसका दूसरा संस्करण है। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।